विद्या ने अपने पति पर लगाया जान से मारने का आरोप, पति पर जलाने दहेज का लगाया आरोप। विद्या इलाज के लिए संजय गांधी व पति जेल की सलाखों के पीछे। विद्या की शादी आज से एक साल पूर्व लड़ौर के आशीष के साथ हुई थी। आज वह रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पति के द्वारा की गई पिटाई के बाद अपना इलाज करा रही है। वहीं उसके पति आशीष गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। घटना की जानकारी विद्या और उसके पिता ने कुछ इस तरह से दी। उनके साथ यह हुआ कि हम गैन हुए उनके घर, तो हम बोला कि बुच्ची से मिलना है हमको, बुचिया से। तो इनके लड़के ने मेरा दामाद रहा तो हाथ जोड़ता था, ताला बंद कर था, ताला नहीं खोला। हम वहाँ से चले आए घर बहनी की, वहाँ से फ़ोन लगाए जी हमारा फोन, कहीं पापा हम खाना खाए हैं, सब्जी रोटी बना के हम कम ठीक, हम चले आए अपने घरे। फिर घर से जीजी के फ़ोन का हमारे कि ऐसे ऐसे तो गए रहे घरे, हम कहा हाँ घरे गए रहे, कैमरा नहीं खुला। कैमरा जब नहीं खुला तो हमार बच्ची से बात भाई, हम चले आए घरे। फिर घरों से बात भाई तो हमारे वाली मोबाइल से हमारे इनकर बात होते रही, अब अगलू वाली मोबाइल से बच्ची के हमारे अब अगलू के मेरिया से होते। फिर 12 बजा इनकर फोन हमारे पास जाते हैं तो कहीं के विद्या नहीं है, मर्डर। 8-10 दिन पहले मुझे अंदर ढूंढ के रखे थे, मेरे पापा जी मुझे देखने गए, वो कहते जी नहीं खोले, बोल रहे थे कि तुम जो अंदर आओ तुम्हारी बेटी चला दूँगा। मेरे पापा अंदर नहीं आए, मुझे रात में परसों रात में 12 तारीख को 11 बजे मुझे मतलब सब गेट खोल रहे थे मुझे बचाने के लिए। फिर मुझे दिन अठारह में आते थे मुझे होश हो गई, ठीक क्यों निकला मेरे सिर से चोट लगी। 10 दिन से करते ही थे, ज़्यादा निकलने नहीं करते थे। क्या कारण था करने का? अरे दहेज मांगते थे। दहेज कितना मांगते थे, क्या मांगते थे? चैन मांगते थे। चैन। जैसा कि आपने सुना, विद्या के अनुसार शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी हाल ही में उसके पति गाड़ी और सोने की चैन के लिए उसे लगातार परेशान कर रहा था। एक बार विद्या को उसके पति ने जलाने का प्रयास भी किया था। आशीष के पिता के अनुसार चैन की मांग कर रहे थे, तो कुछ अब उसी को बुलाइए, उसके बाप को बुलाइए, मैं क्या क्या मांग कर रहा था, बुलाइए मेरे सामने बुलाइए मैं क्या मांग कर रहा था। मैं तो कभी दहेज नहीं मांगा, कभी रुपया नहीं मांगा, कभी चैन नहीं मांगा। जो बिटिया दिए जो उसके साथ देना था अपने मर्जी थी, हमने कुछ मांगा नहीं। बच्चे आपके बच्चे के द्वारा मांगा जा रहा था, बच्चा मारता रहा होगा तो बच्चा तो जेल में है, गए उसी दिन तुरंत हम ही अंदर करवा दिए। अब इसके अलावा हम तो थे ही नहीं, गए मुताबिक क्या कर सकते हैं।